आप और पापा कैसे मिले थे बताओ। पापा आर्मी मैन थी है हाँ ना। पापा का पहला लव अलग अलग था। व्हाट्सअप एंड आज एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक न्यूज मैं आपको देने वाला हूँ। सो कोविड के केसेस अब चाइना में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं एंड पूरी दुनिया में क्या है बहुत ज्यादा खौफ मचा हुआ है इस चीज का। सो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप अपनी फैमिली की सेफ्टी का भी मैं देखूं। सो एक्चुअली मैं इसी कारण अभी अपने घर में अब क्या बोलते हैं सूप वूप और ये सब जो गर्म चीज़ें उनको बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको अपनी मम्मी के पास ले जाता हूँ, वो सबसे ज़्यादा डरी हुई है एंड आप देखोगे कि वो एक्चुअली में क्या बोलते हैं कोविड के जितने भी चैनल्स हैं या फिर जो भी यूट्यूब में जितने भी चैनल्स आ रहे हैं उनको बार बार कंटिन्यूसली देखे जा रही है। ये देखिए क्या हुआ, डॉक्टर अरविंद क्या किसने मेरे निकाला, हटा। आने वाले यात्रियों के हर आदमी की हर व्यक्ति की चेकिंग हो, कम से कम एयरपोर्ट पर उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट हो, ये समय आ गया है। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ। सो जो भी अभी अपने घर पे हैं और एक्चुअली मैं क्या बोलते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम है वो सबसे ज़्यादा एक हेल्दी चीज़ खाएं। वो एक्चुअली मैं जो अभी बनाने आ रहा हूँ मैं एक सूप बनाने जा रहा हूँ, चिकन सूप। सो आप उसको ज़रूर एक बार देखिएगा, आप बना के एक बार देखिएगा एंड मैं जो इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा उसे आप ज़रूर डाल के देखिएगा। इट विल बी वेरी वेरी हेल्दी फॉर यू, प्लस ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, सो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, चिकन है, मिर्ची है एंड अदरक लहसुन। एंड याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, काली मिर्च, उसके बाद धनिया और कड़ी पत्ता। सो अब मैं इन सबको एक साथ पानी के अंदर डालूंगा और ये डन है। सो गाइस सूप रेडी हो रहा है अब और मे भी आधे घंटे के अंदर, नॉट आधा घंटा, 10 मिनट के अंदर अंदर सूप रेडी हो जाएगा। एंड मैं बता दूं कि प्लीज़ 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 कोविड से सावधान रहिएगा। जैसे चाइना में फैल रहा है वैसे इंडिया में ना फैले, इसीलिए मास्क ज़रूर पहनिएगा अब, क्योंकि अब क्या इंडिया ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि उन्होंने एक्चुअली मीटिंग बिठाई है। सो मे बी देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि वो इंक्रीज हो जाए इंडिया के अंदर। सो गाइस सूप इज़ गेटिंग रेडी और ये रहा हमारा सूप। बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक स्मेल है उसका एंड एक बार खा के देखते हैं, उसके बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि सूप कैसा लगा। तो गाइज अब बात आती है कि एक्चुअली मेरी मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया है राइट नाउ और कह रही है कि मैं अपना इंटरव्यू दूंगी एंड मैंने उनसे पूछा कि क्या दोगे तो उन्होंने अभी बताया। सो वॉच दिस वीडियो, यू विल एंजॉय इट। हाँ मैं बताओ आप और पापा कैसे मिले थे बताओ। पापा आर्मी मैन थी है हाँ। ना। पापा का पहला लव अलग अलग था। पापा का पहला पहला लव अलग अलग था। यस, फिर आखिर में मुझसे प्यार किया है उसने। हाँ। सो मम्मी इज द लास्ट चॉइस। कोई नहीं मिला, मुझको पकड़ लिया। सो अल्टीमेटली ये पता चलता है कि मेरे पापा भी मम्मी लास्ट चॉइस थी। कल 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 सुनने वाले अच्छे से पापा फिर से। तब भी हम दोनों का प्यार अलग है, दुनिया में सबसे अलग है। वो आग से कुछ इशारा करता मैं समझ जाती हूँ क्या उनका प्रॉब्लम है, क्या बोलना चाहती है, मतलब ऐसा 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 सब समझ जाती है। सो दैट्स माई फैमिलीज लव। मेरी मॉम मेरे डैड वहाँ पे अभी फिलहाल टीवी देख रहे हैं। सो ये था मेरे मॉम एंड डैड का लव। सो गाइज आपने आई थिंक मेरी मॉम का इंटरव्यू देख लिया होगा। सो हंसना मत, बिकॉज दैट्स रियलिटी एंड ट्रू लव स्टोरी आई वुड से। सो एट लास्ट आप कितने भी प्यार कर लो, कितना भी वो कर लो, बट एट दी एंड अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हो तो आपको मिल ही जाता है। सो लव स्टोरी एंड या मैं अपने बात से भटकूंगा नहीं। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी सेफ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीइंग सेफ
एंड याद रखिएगा कि आप यू नो वैक्सीनेशन करवा ले, अगर आपने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाया तो देन प्लीज करवा ले, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड टेक केयर एंड वेयर मास्क. थैंक यू.